हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लॉक्स और कैलेंडुला प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं फ्लॉक्स है पिंक कलर का और ये काफ़ी बुशी हो गया है और ये थोड़ा डिफरेंट कलर है और इसमें हमारे पास मिक्स वैरायटी के सीड्स थे और ये सीड्स मैंने प्लांट से ही इकट्ठे किए थे, घर पे ही, बाहर से नहीं मंगवाए थे। ये वाइट फ्लॉक्स है, ये भी काफ़ी बुशी हो गया है और काफ़ी सारे फूल इस पे आए हुए हैं। और एक ये मिक्स वैरायटी का है जिसमें दो कलर्स हैं। अभी जैसे विंटर ख़त्म ही होने वाला है तो ये थोड़े ही दिन और फ्लावरिंग करेंगे, मार्च तक ही फ्लावरिंग करेंगे। इसकी सॉयल जो है आप देख सकते हैं वो ड्राई ज़्यादा रखता हूँ मैं, ज़्यादा गीली मिट्टी से प्लांट ख़राब हो जाता है। और इसको मैंने दो तीन बार यूरिया और DAP का मिक्स कर थोड़ा थोड़ा डाला है जिससे ये बहुत सारा बुशी हो गया है। ये कैलेंडुला का फ्लावर है और इसके भी सीड्स मैंने पिछले साल के प्लांट से लिए थे और उन्हें सुखा लिया था और घर पे ही प्रिपेयर किए थे। ये भी देखिए काफ़ी बुशी प्लांट हो गया है। ये एक पॉट में तीन प्लांट लगे हुए हैं और जो पॉट है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं पॉट का साइज काफ़ी बड़ा है। इसकी मिट्टी भी ज़्यादा गीली नहीं है, दो तीन दिन में एक बार मैं पानी देता हूँ और इसमें भी मैंने यूरिया जो कि नाइट्रोजन और DAP का मिक्स कर इसमें डाला हुआ है। इनके सीड्स की बात करें तो जब ये फूल सूख जाएं इन्हें उतारिए मत, यहीं पर पौधे पर ही इन फूलों को सूखने देना है। जब पूरी तरह से वो सूख जाएंगे तो तब उनके बीज निकालने हैं। हम क्या करते हैं कि फूल को काट लेते हैं और उन्हें अलग कर लेते हैं और उससे जो है सीड्स अच्छे प्रिपेयर नहीं होते, तो इसीलिए ये फ्लॉक्स और कैलेंडुला के सीड्स जो हैं वो हम घर पर ही कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन उन्हें फूल पर ही सूखने देना है। जैसे ये देखिए ये सीड पॉट्स हैं फ्लॉक्स के, जहाँ से फूल उतर गए हैं, सूख गए हैं, वहाँ सीड पॉट्स बन गए हैं। अभी हमें इन्हें यहीं सूखने देंगे, जब ये पूरी तरह सूख जाएंगे तब हम इन्हें कलेक्ट कर लेंगे। और ख़ास ध्यान रखना है इन्हें पेपर के थैली में कलेक्ट करना है, ना कि पॉलीथीन की, क्योंकि मॉइस्चर जो है पॉलीथीन में बना रहता है और सीड्स ख़राब हो जाते हैं, जर्मिनेशन रेट जो है कम हो जाता है, इसलिए हमें पेपर के पॉच में ही सीड्स को कलेक्ट करना चाहिए और एक दो दिन की धूप ज़रूर दें इन्हें उतार कर भी। सो गाइस, आपने देखे कैलेंडुला और फ्लॉक्स के पौधों के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।